तो दोस्तों जैसे कि यहाँ काफ़ी जल्दी आहान शेट्टी की सेकंड फिल्म की हमें अनाउंसमेंट होती दिखेगी, और जैसे कि यहाँ हाल ही में खुद आहान यहाँ कहते दिख गए थे कि वो जल्दी अपनी नेक्स्ट फिल्म के अनाउंसमेंट करने वाले। तो जैसे कि दोस्तों इसी बीच यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर आहान शेट्टी जो कि और भी ज़्यादा खुलासे करते दिखे अपनी आने वाली फिल्म को लेकर। यहाँ दोस्तों जैसे कि आहान शेट्टी का कहना था कि यहाँ साजिद नाडियाडवाला से यहाँ पर उनका 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें वो साजिद नाडियाडवाला के साथ ही यहाँ पर एक बड़ी और ज़बरदस्त फिल्म लाते तो दिखेंगे ही, लेकिन जैसे कि यहाँ फिलहाल वो इस फिल्म के बारे में यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन जैसे कि वो इतना कह सकते हैं कि लगभग एक महीने के अंदर ही यहाँ पर इस फिल्म के अनाउंसमेंट जो कि सभी को सुनने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कि दोस्तों इस बीच जब यहाँ आहान शेट्टी से पूछा गया कि क्या वो अक्षय कुमार के साथ फिल्म करने वाले, तो जैसे कि इस पर आहान शेट्टी का कहना था कि नहीं वो तो केवल रूमर थी। या तो जैसे कि तड़प की रिलीज के साथ यहाँ पर कहा जा रहा था कि यहाँ पर आहान शेट्टी और अक्षय कुमार जो कि एक साथ एक फिल्म ला सकते, लेकिन जैसे कि फिलहाल तो आहान शेट्टी जो कि इस बात को यहाँ पर नकारते हुए दिख रहे। लेकिन जैसे कि दोस्तों आहान शेट्टी की एक बात जो कि सभी का एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफ़ी रही कि यहाँ पर लगभग 30 दिनों के बीच यहाँ पर उनकी नेक्स्ट फिल्म की एक अनाउंसमेंट हो सकती है, और जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि जैसे कि दोस्तों यहाँ साजिद नाडियाडवाला के साथ ही यहाँ पर आहान शेट्टी जो कि एक बार फिर से अपनी फिल्म लाने वाले है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।